स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री की पहली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर देखेंगे। जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, तो आज हम लोग इसकी थोड़ा सा एक टॉपिक्स देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि केमिकल बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड आप लोग को एक लाइन में आंसर देना है कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड इज ऑनली एंड ऑनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बॉन्ड, किसे कहते हैं बॉन्ड, किसे कहते हैं, ये आकर्षण बल होता है। ये क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सभी तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और आपस में बंध बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि जो तत्व हैं वो आपस में बंध कैसे बनाते हैं और बंध बनाकर विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता क्या है, आज हम इस वीडियो में संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं संयोजकता क्या है। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। ये बहुत ही पुरानी डिफिनीशन है, स्टार्टिंग में डिफिनीशन ऐसी दी जाती थी वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी वह संख्या होती है जिससे कि कोई भी एलिमेंट है वह हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने परमाणु से जुड़ सकता है, जितने परमाणु से जुड़ सकता है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो NH3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो तीन हाइड्रोजन से संयोग करता है। कितने से, तीन। देखिए NH3 में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तीन। जो तीन हाइड्रोजन परमाणु हैं आप देख पा रहे होंगे, जो तीन हाइड्रोजन परमाणु अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तीन। याद रखिएगा, जितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ पाएंगे उतना ही क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ये तो पुरानी डिफिनीशन हो गई, इसे हम लोग ओल्ड डिफिनीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्ड डिफिनीशन कहते हैं। अब हम लोग देखिए बात करते हैं कि संयोजकता का न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। इसे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, अब हम बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको संयोजकता क्या है समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो उसकी जो संयोग करने की क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहा जाता है। और पुरानी विचारधारा के अनुसार नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट जितने भी हाइड्रोजन से संयोग करता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरवरी के नियम के अनुसार तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1। आप बाउ के नियम के अनुसार करेंगे तो क्या आएगा, 1s1। तो बताइए इसका आउटर मोस्ट सेल जो है, इसका बाह्य कोष जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें अगर तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है तो 2 और 2 करेंगे हम लोग तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, इसको लिखना है। अब देखिए सेकेंड डिफिनीशन क्या हो सकती है, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा या साझेदारी करेगा वही उसकी तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक नियम क्या है, आप जानते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में
आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8, या तो 2 या तो 8, या तो कितना 18, या तो कितना 32, या तो कितना 32, यानी कि 2 करना चाहेंगे, 8 करना चाहेंगे, 18 करना चाहेंगे, 32 करना चाहेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार से है। तो अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है फ्लोरीन का, किसका दिया है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का अगर हम करें तो 2 और 7, यहाँ पे फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का अगर हम देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9, और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसको अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना चाहिए होगा? 1, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। आप समझ पा रहे होंगे इसको। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो संयोजकता है, संयोजकता हाइड्रोजन की देखेंगे तो 1, हाइड्रोजन की देखेंगे तो 1, हीलियम की देखेंगे तो 0, लिथियम की देखेंगे तो 1, बेरिलियम की देखेंगे तो 2, बोरान की देखें 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियॉन की 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कि इन तत्वों की ये क्या हैं? संयोजकताएँ हैं। ये क्या हैं? संयोजकता है। समझ पा रहे होंगे आप इस तत्व की ये क्या है? संयोजकता है। किसकी? हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियान की, ये सभी क्या हैं? ये देखिए ये संयोजकता है। ये किसकी संयोजकताएं हैं? ये संयोजकता है किसकी? ये संयोजकता है तत्वों की। देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है हमको, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देखना है कि ये जो तत्व हैं अगर उनके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 1, कितना हो जाता है? 1, या 2, या 3, या 4, तो इस केस में क्या होगी? संयोजकता वही हो जाएगी, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी 3, इसकी 4। लेकिन अगर इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 5, 6, 7 या 8, तो 8 में से घटाना पड़ेगा हमको, और ये आएगी इसकी 3, इसकी आएगी 2, इसकी आएगी 1, और 8 में से 8 घटाएंगे 0, संयोजकता 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर इस प्रकार से किया है कि ये जो संयोजकता है अगर उसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो संयोजकता 1, बाहरी कोष में 2, संयोजकता 2, बाहरी कोष में 3, तो संयोजकता 3, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 4। अगर बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो संयोजकता 3 हो गई, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो संयोजकता 2 हो गई, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो संयोजकता 1 हो गई, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। तो अब समझ पा रहे होंगे आपकी बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। देखिए शून्य समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। शून्य समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं आपको पता होगा? शून्य समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, ज़ेनॉन आता है और रेडॉन आता है। ये इतने जो भी तत्व हैं, इतने जितने भी तत्व हैं इन सब की संयोजकता क्या होती है? 0। क्या होती है? 0 संयोजकता होती है, याद रखिएगा इन तत्वों की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो तत्व हैं, एक है कौन? हीलियम जिसकी संयोजकता 0 है, और एक है नियान जिसकी संयोजकता क्या है? 0। तो आप समझ पा रहे होंगे संयोजकता क्या है? 0। ठीक है, देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन की संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। इसको हम थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं, क्या है? संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो जितने से वो संयोग कर पाएगा वो संयोजकता कहलाएगी। देखिए कोई भी परमाणु संयोजकता के बराबर बंध बनाता है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती थी भाई? अभी देखा हमने 3। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती थी? 3। तो बंध कितना बनाएगा? 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। ये देखिए इस प्रकार से बनाएगा, जहाँ भी रहेगा ऑक्सीजन, जहाँ भी ऑक्सीजन
जहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा वो हमेशा दो बॉन्ड ही बनाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर H2O की बात करेंगे तो ये देखिए H और 2, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। जितना संयोजकता होगी उतना ही क्या बनेगा? बंध बनेगा। तो आज हमने ये देखा कि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, और संयोजकता का कॉन्सेप्ट हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे चीज़ें। इसके आगे का जो भी पोर्शन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।